नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। जीडी ग्लोबल स्कूल करतारपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेस 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार आजमगढ़ एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लचीरामपुर आजमगढ़। QCI रेटिंग में इस श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। राज्यसभा चुनाव में झटका खाने के बाद सपा फिर से आजमगढ़ के किले को मजबूत करने में जुट गई है। बुधवार को बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली सपा में शामिल हो गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने किसी लोभ लालच में यह फैसला नहीं लिया है, मैंने सोच समझकर यह निर्णय लिया है। आज देश के जो हालात है उसके लिए यह एक जरूरी निर्णय है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हिंदू समाज के लोगों का एहसान है, मेरे 90% दोस्त हिंदू हैं। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा सकता है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहा कि मैं जिंदगी भर सपा में ही रहूंगा और PDA को मजबूत करने का काम करूंगा। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, शाह आलम गुड्डू जमाली का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि गुड्डू जमाली 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल होना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो सके थे। इस बार मैंने उन्हें खुद बुलाया है, पार्टी में इन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। कहा कि PDA यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक परिवार बढ़ता जा रहा है, लोग सपा में आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो संविधान बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले कभी समुद्र मंथन हुआ था, अब संविधान मंथन होगा। 2024 के चुनाव में एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो संविधान बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, वरिष्ठ नेता बलराम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, आलम बदी आजमी, नफीस अहमद, पूजा सरोज, डॉक्टर संग्राम यादव, बेचई सरोज, पूर्व MLC गुड्डू यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव, विधायक कमला कांत राजभर, विधायक अखिलेश यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली आदि मौजूद रहे। मैं सबसे पहले शाह आलम गुड्डू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनका स्वागत करता हूँ भैया, उनके साथ साथ उनके सभी सहयोगी साथी जो आज इस हॉल में हैं और लाखों संख्या में जो आ नहीं पाए हैं, जो पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हैं, मैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे, किन्हीं परिस्थितियों किन्हीं किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके अपने घर जैसा लगेगा, ये आप अपनी पार्टी में वापस आएंगे। सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था,
उस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। ये एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की ध्वजियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं, ना मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं, और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का ही किसी में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है, एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं, और मुझसे इतना प्यार करते हैं, बाकी मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारे देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाई हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा है। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का है, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं, अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में है भाई, हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं, हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बींग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा, खड़े होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हां में हां मिलाता हूं। इसलिए अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से अल्लाह से यह दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ। और इस मंच से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या ना मिले, मैं मरने के बाद तब मेरा रिश्ता आपसे टूटेगा। हाँ, एक बार जरूर हाथ जोड़ के कहता हूं कि कुछ थोड़ा मेरी वर्तित क्या है कि मैं जमीनी नेता नहीं हूं, तो मुझे और बहुत सारा मैनेजमेंट नहीं आता। अगर मेरे बारे में कोई आपसे कभी कुछ कहे तो आप मुझे बुला के पूछ लीजिएगा छोटे भाई की तरह। लेकिन मैं यकीन से इस बात को कहता हूं कि हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे, मेरे जितने भी जानने मानने वाले लोग हैं आपके वफादार रहेंगे, हम लोग मिलजुल करके। और मैं समाजवादी कुनबे से भी कहना चाहता हूं, मैं तो बहुत अभी आज मेरी पैदाइश हुई है, इसमें बसवा में जरूर 13 साल रहा, ईमानदार रहा, बहन जी का भी ईमानदार रहा, मैं उनका एहसान मंद भी हूँ, मैं बेबाक आदमी हूँ, जो बात है पूरी सच्चाई से कहता हूँ, उनका बहुत प्रेम रहा। लेकिन मुझे दुख भी होता है कि आज इस लड़ाई में उनको शिरकत करना चाहिए, लेकिन जब वो शिरकत नहीं करेंगे
तो हमारे जैसे लोग क्या करें? इसलिए मेरे पास आई डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू कम विद देम। मैं गलत नहीं हूं, इसलिए कि हम लोग समाज और सोसाइटी के प्रति जिम्मेदार हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एहसान मंद हूं, जितना इज्जत मुझे आपने बख्शी है आज इतना काफी है मेरे लिए, इससे ज्यादा की लालच नहीं रखता। और हम लोग, मैं अपने सारे कुनबे से, इवन समाजवादी पुराने भाइयों से, मेरे भाइयों, मैं बहुत जूनियर हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, हम लोग इतना मिल के काम करें कि हमारे बीच में किसी भी तरह का ना गोल हो, ना गुलती हो, ना मतभेद। क्योंकि जब हम लोग मिल के लड़ेंगे तो कोई ताकत हमारा सामना नहीं कर सकती। बहुत बड़ी ताकत है। ये लोग खोखले हैं, डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि अगर डरे ना होते तो ये डरा के रोकना चाहते हैं सब। हम लोग उन लोगों में से हैं कि मिट सकते हैं मगर डर नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आजमगढ़ से मेरे भाइयों, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, ये गुड्डू जमाली तो तुम्हारा है, मेरा जनाजा भी तुम लोग लेके जाओगे। यही मोहब्बत, यही प्यार आपका मेरी ताकत है। आजमगढ़ जिले में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़े तो वे जहां से चुनाव लड़ेंगे वह वहीं से उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ जिले में एक साल में जितना काम हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में जितना कार्य हुआ है उसको देखते हुए जो हमारा आजमगढ़ है वह यह तय कर चुका है कि वह सरकार के साथ है और आगे रहने वाला है। सांसद निरहुआ ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं और इस बार आजमगढ़ भी सरकार के साथ रहेगा। सांसद निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ एयरपोर्ट का जल्द ही उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ आकर करेंगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा पाला बदलने को लेकर सांसद निरहुआ ने कहा कि यह सारी लड़ाई विचारधारा की है। हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी में जो भी लोग काम कर रहे थे वह एक चीज महसूस कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में रहना तो राम मंदिर के खिलाफ बोलना है, राम के खिलाफ बोलना है, वैक्सीन के खिलाफ बोलना है, देश की उपलब्धियों के खिलाफ बोलना है। मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करना समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में हो चुका है। जो लोग भी यह चीज समझ रहे हैं वह लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी लोग देश को, जनता को मजबूत बनाना चाहते हैं, वह भाजपा, मोदी जी और योगी जी के साथ रहेंगे। वह समाजवादी पार्टी में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस पार्टी में रहने के बाद अपने ही धर्म और भगवान का विरोध उन्हें करना पड़े। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर चुनौती मिलने के सवाल पर सांसद निरहुआ ने कहा कि कोई चुनौती नहीं है। यही नहीं, सांसद निरहुआ ने कहा कि अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़े तो वह पार्टी से मांग करेंगे कि अखिलेश यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वह उनके खिलाफ वहीं से ही चुनाव लड़ेंगे। हमें उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ना है। लड़ते तो कितना चुनौती मानते हैं? आजमगढ़ से नहीं लड़ेंगे तो जहां लड़ेंगे हम वहीं जाके लड़ेंगे, कोई चुनौती नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं अपने पार्टी से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ लड़ने नहीं आते हैं तो वो जहां लड़ते हैं वहीं मुझे टिकट दिया जाए, मुझे अखिलेश यादव से ही लड़ना है। फाइनल डिसीजन। समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह समाजवादी पार्टी अब दूसरी साइड जा रही है? क्रॉस वोटिंग मतलब क्या, किसके खिलाफ कर दिए? अपने खिलाफ। अपने ही खिलाफ कर दिए? अरे ये कौन भैया, आप क्या बताएं, अब जब अपने ही खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं तो क्या मतलब, ये कौन सी राजनीति है, ये तो समझ के बाहर है।
अच्छा, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव अब आ गया है, लोगों का एक दूसरे पार्टियों में आना जाना है, उसी हिसाब से आज गुड्डू जमाली ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बीजेपी को फायदा मिलेगा और सपा को कितना फायदा मिलेगा, कितना नुकसान होगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से जो आजमगढ़ में काम हुआ है एक साल में, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में जो काम पूरे देश में हुआ है, पूरे दुनिया में हुआ है, उसको देखते हुए जो हमारा आजमगढ़ है वो ये तय कर चुका है कि हमें भी सरकार के साथ ही रहना है। कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और सिर्फ एक साल सरकार के साथ आजमगढ़ रहा, तो आजमगढ़ में कितना काम हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो हमारा आजमगढ़ जिस तेजी से विकास कर रहा है वही तेजी बरकरार रखने के लिए आजमगढ़ भी सरकार के साथ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आजमगढ़ के एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है, तो क्या संभावित कोई दौरा है प्रधानमंत्री जी? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आएंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने आग्रह किया था तो उनका कहना यही था कि पहले हम अयोध्या करेंगे, अयोध्या के बाद आजमगढ़। तो अयोध्या का तो हो चुका है, अब अगला नंबर आजमगढ़ का है, और किसी भी क्षण डेट आ सकता है प्रधानमंत्री जी का कि आजमगढ़ आकर के और उद्घाटन करें। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा के 8 विधायक जो है भाजपा में शामिल हुए, उसको लेके आप क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या सपा के कुछ और नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये सारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी में जो लोग भी थे, जो लोग भी काम कर रहे थे, वो एक चीज़ तो महसूस कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में रहना है तो राम मंदिर के खिलाफ बोलना है, समाजवादी पार्टी में रहना है तो राम के खिलाफ बोलना है, वैक्सीन के खिलाफ बोलना है, देश की उपलब्धियों के खिलाफ बोलना है। मतलब मोदी जी का विरोध करते करते देश की उपलब्धियों का विरोध करना, ये समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में हो चुका है। तो जो लोग भी ये चीज़ समझ रहे हैं वो छोड़ देंगे सपा को, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। वो जानते हैं कि ये मतलब निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, देश के हित से इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश को मजबूत बनाना चाहता है, हमारे लोगों को मजबूत बनाना चाहता है, वो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ होगा, योगी जी के साथ होगा। और उस पार्टी में तो नहीं रह पाएगा जिस पार्टी में रहने के वजह से ही उनको अपने ही धर्म का विरोध करना है, अपने ही भगवान का विरोध करना है। तो आत्मा तो आदमी का थोड़ा ग्लानि तो होता ही है ना। आप आज देख लीजिए कि जितने यादव हैं उन्होंने महसूस कर लिया, ये समझ लिया कि यार हम लोग जनसंघ से पहले जुड़े, यादवों की पार्टी है जनसंघ पार्टी, वही आज भारतीय जनता पार्टी है। उस भारतीय जनता पार्टी से जो फॉरवर्ड लोग जो कि पहले कांग्रेस में थे वो उसमें आ गए, तो ये हम अपनी पार्टी छोड़ के कौन सी पार्टी में गए हैं जहां हमको अपने ही धर्म का विरोध करना पड़ रहा है? तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त पार्टी हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तेजी से काम कर रही है सब लोग उससे जुड़ेंगे। SP अनुराग आर्य ने आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों को देखते हुए पुलिस कर्मियों और दंगा नियंत्रण टीम को ट्रेन करने का अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जिले के कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस के अधिकारियों के साथ फूट पेट्रोलिंग कर जनता से संवाद भी किया। इसका कार्यक्रम का मुख्य मकसद यह है कि आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जा सके। शहर के ITI मैदान में जिले के दंगा नियंत्रण टीम और पुलिस फोर्स को आंसू गैस के गोले छोड़ने के बारे में ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही जिले के सभी थानों पर दंगा बलवा टीम तैनात किया गया है, जिसमें 6 पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस अभियान का आज से शुभारंभ हो गया और प्रत्येक शुक्रवार को इन्हें ट्रेन किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य मकसद यह है कि पुलिस में टीम भावना को विकसित करना है। आज इसका पहला चरण है। जिले के SP अनुराग आर्य को इस भ्रमण के दौरान दूसरे जिलों के रहने वाले 2 संदिग्ध मिले। इन दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर कोतवाली पुलिस पूछताछ कर रही। यदि इन दोनों की किसी मामले में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SP अनुराग आर्य का कहना है कि शाम का समय है, बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर निकलती हैं।
ऐसे में हमारी एंटी रोमियो टीम लगातार सभी पर नजर रख रही है। आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले को 3 श्रेणियां में बांटा गया है। सबसे अधिक संवेदनशील, अति संवेदनशील और संवेदनशील, इन सभी पर लगातार पुलिस नजर रख रही है। इसके साथ ही मिश्रित आबादी वाले जो भी इलाके हैं, वहां पर पुलिस और डायल 112 को सक्रिय किया गया है, जिससे कि किसी तरह की समस्या ना उत्पन्न होने पाए। आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई और आगामी जो त्योहारों का सीजन है उसको दृष्टिगत रखते हुए भी जितना संवेदनशील एरिया है उसमें पूरी टीम के साथ भ्रमण किया गया है। इसमें हमारी हर रैंक के अधिकारी शामिल रहे। पुलिस लाइन से भी एक स्पेशल क्यूआरटी तैयार की गई है, उसको भी इसमें शामिल किया गया, जिसको आधुनिक दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ लैस किया गया है। इसके साथ साथ हर थाने पे एक एसएचओ के नेतृत्व में 6 लोगों की टीम बनाई गई है, जो दंगा बलवा नियंत्रण टीम के नाम से जिसको रखा गया है। इनकी जिम्मेदारी होगी कि किसी भी ऐसी परिस्थिति में 6 लोग एक साथ एसएचओ के साथ मौजूद रहेंगे। इनको हम लोग इसी शुक्रवार से पुलिस लाइन में बुला के ट्रेन भी करना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद आईटीआई ग्राउंड में आज दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया गया है। इसमें जो टीयर गैस गन है और एंटी रायट गन है, इनकी प्रैक्टिस कराई गई है। जो हमारे थाना प्रभारी है उनको प्रैक्टिस कराई गई है और इसको एक चरणवार तरीके से निर्वाचन से पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे जनपद में जितना पुलिस बल है उसको इसका प्रयास करा दिया जाए। जो त्योहार, आगामी त्योहार है और निर्वाचन है, उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरी अपने जितना हमारा बंदोबस्त है उसको दुरुस्त करने के लिए हमारे जो पुलिस कर्मी है उनमें एक टीम भावना उत्पन्न हो, उसके लिए ये सारी कवायद है। इसको अलग अलग चरणों में, अलग अलग थाना क्षेत्रों में हम जारी रखेंगे। इसका पहला चरण आज था जिससे शुरुआत की गई है और इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। सर, आपके द्वारा 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे क्या कार्रवाई की जाएगी? ये जो बाजार में भीड़भाड़ वाला एरिया है उसमें हमारी एंटी रोमियो की टीम भी गश्त करती है, तो 2 संदिग्ध लड़के बाजार में मिले, जिसके द्वारा पूछने में बताया गया कि वो दूसरे जनपद का निवासी है। यहाँ कोई स्पष्ट कारण उसके द्वारा होने का बताया नहीं गया। उसको हिरासत में लेके थाना कोतवाली भेजा गया, पूछताछ करके उसको वेरीफाई किया जाएगा नाम पता क्या है, और अगर कोई प्रतिकूल बात प्रकाश में आती है तो एफआईआर दर्ज करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इसका मकसद यही है कि शाम के समय जब एरिया में बाजार में महिलाएं ज्यादा आती हैं या परिवार बहुत सारे आते हैं, तो कोई भी ऐसा अराजक तत्व वहां मौजूद ना रहे जो उनको किसी प्रकार से परेशान कर सकता हो। सर, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे किस तरीके से डिप्लॉयमेंट रहेगा और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किस तरीके से रहेगा? हम लोगों ने 3 श्रेणी में पूरे जनपद में जो संवेदनशील पॉइंट है उनको चिन्हित किया हुआ है। सबसे अधिक संवेदनशील जो पॉइंट है, अति संवेदनशील और संवेदनशील पॉइंट, तो इन पे डिप्लॉयमेंट हम उसी हिसाब से रखते हैं। जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं उन पे बाय रोटेशन टीमें जाती हैं, बाय रोटेशन ड्यूटियां जाती हैं, बाकी पॉइंट्स पे सेक्टर स्कीम के अनुरूप परमानेंट टिकट ड्यूटियां लगती हैं। तो इसको हम लोग लगातार अपडेट भी करते रहते हैं, थाना प्रभारियों से फीडबैक लेके 112 की गाड़ियों का डिप्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से किया जाता है, ताकि ये जो मिश्रित आबादी के एरिया है, अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां परमानेंट पुलिस की मौजूदगी आकस्मिक रूप से किसी न किसी टाइम पे रहे। और एक अभियान हम लोगों ने चलाया है जो लगभग पिछले 15-20 दिन से चल रहा है, शाम के समय गांव में जाके गांव मोहल्ला संवाद अभियान। इसमें भी यही किया जा रहा है कि जो सबसे संवेदनशील गांव है, जहां पहले कोई घटनाएं हुई है या जहां पे मिश्रित आबादी है, वहां पे शाम को 5:45 से 6:15 बजे तक थाना प्रभारी के नेतृत्व में पूरा पुलिस बल जाता है। वहां जो अराजक तत्व है उनकी चेकिंग होती है, उनको हिदायत दी जाती है, हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की जाती है, और गांव का जो आमजन है उनसे संवाद स्थापित किया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि कोई भी बात होती है तो पुलिस को सूचित करें, पुलिस उनकी समस्या सुलझाने के लिए उनके साथ। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की थी। विज्ञान में रमन प्रभाव की खोज और सर सीवी रमन के योगदानों को याद करते हुए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। विज्ञान के क्षेत्र में इस अभूतपूर्व उपलब्धि का सम्मान करने के लिए हर साल 28 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है, और उसी क्रम में बुधवार को क्रासबेली इंटरनेशनल स्कूल कुकुड़ीपुर छठियाम आजमगढ़ में एक भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रतिभा की बहुत ही सुंदर एवं सार्थक अभिव्यक्ति इस प्रदर्शनी में देखने को मिली। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य योगदान कोऑर्डिनेटर राजेश्वरी चौरसिया और संबंधित अध्यापकों का रहा।
इस मौके पर विद्यालय की प्रबंधक सुधा राय ने सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों को धन्यवाद एवं बधाई ज्ञापित किया और बताया कि बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यावहारिक पक्ष उभर कर सामने आया है। प्रधानाचार्य सर्वेश कुमार सिंह और निदेशक उमेश चंद्र मिश्र ने भी अभिभावकों और बच्चों को बधाई दी और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य भारत के लोगों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न वैज्ञानिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। नेशनल साइंस डे के दिन विज्ञान की शिक्षा का विस्तार किया जाता है। यह दिन शैक्षणिक संस्थानों, विज्ञान संगठनों और सरकारी निकायों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम, सेमिनार और प्रदर्शनियां आयोजित करने का अवसर प्रदान करता है। वक्ताओं ने कहा कि सर सी वी रमन, जहां 1930 में नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय तथा प्रथम एशियाई बने, वहीं 1954 पहला भारत रत्न का सम्मान भी इन्हें ही प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साइंट इनिशियल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साइंट इनिशियल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल निया RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, अफिलियेटेड टू CBSE। एडमिशंस ओपन फ्रॉम क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11, जहां है हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एडवांस लैब्स, मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी, ह्यूज प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस, सेपरेट ग्राउंड फॉर प्री नर्सरी, सेपरेट क्लासेस अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, music, smart classes and many more facility available. Lifestyle furniture, Belnadi, Ajamgarh। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।